विधायक नैनपाल रावत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नैनपाल जी, बेहद दुखद ही अपने आप में राकेश दौलताबाद का इस तरह से दुनिया से चले जाना, केवल 45 साल की उम्र में आज उनका हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया। दुखद समाचार है और मैं बड़ा व्यथित हूँ, दुखी हूँ, परेशान हूँ, क्योंकि राकेश दौलताबाद केवल एक विधायक नहीं थे, वो मेरे हमारे फैमिली के मेंबर थे। हम सभी सभी इंडिपेंडेंस एक फैमिली के रूप में बैठते थे और हर समय सुख में दुख में हमारी मदद में खड़ा रहता था। तो मैं तो मेरे पास शब्द नहीं है, मैं इस समय बड़े दुख से मतलब जो गुजर रहा हूँ कि वह समझ कुछ नहीं आ रहा है। तो मैं तो परमात्मा से एक विनती करता हूँ, परमपिता परमात्मा मेरे भाई के परिवार को ढांढस बधाए, इससे कहीं अच्छी जगह दें अपने चरणों में। मैं इस समय दुखी की मेरी सीमा नहीं है, इस प्रकार का उसके साथ मेरा व्यवहार बर्ताव पारिवारिक तौर पर था, दोस्त के नाते, भाई के नाते, तो मैं बड़ा परेशान हूँ उस समय। बिल्कुल आपके करीबी थे, आपने खुद भी बताया, और स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें, उम्र के लिहाज से बात करें, केवल 45 साल के थे। ये यकीन करना भी अपने आप में बेहद मुश्किल है कि इस तरह से राकेश दौलताबाद का निधन हो जाता है, हार्ट अटैक उन्हें आता है, इस दुनिया से वो चले जाते हैं। नैनपाल जी, जी मैं बता रहा हूँ कि मुझे बेहद दुख है इस बात का और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। और खुद पे भरोसा नहीं हो रहा, उस पे भरोसा नहीं हो रहा, वो हमें इतनी जल्दी उम्र में छोड़ के चला जाएगा। 4.5 साल का केवल हमारा आपस का प्यार, शायद लंबे समय तक भी इतना आदमी नहीं बैठ पाता जितना प्यार करी उसके साथ हमें मिला है। शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ। और देखिए, आपने सुना नैनपाल रावत को, इन्होंने अपना ये इस बात का भी जिक्र किया कि कभी लगा नहीं, चूंकि